और मेरे भाई लोग कैसे हो। एक और अच्छी खतरनाक डुओ रैंक पोस्ट वीडियो के संग उससे पहले गाइस डुओ के अंदर आपकी क्या रैंक चल रही है, आपका इस सीजन कौन कर हुआ है ना हुआ वो मेरे को जो से कमेंट करके बता देना। पर ये जो बीजेएमआई का अपडेट है एकदम बेस्ट अपडेट है, अभी का 2.7 का अपडेट दिया गोकू वाला, मेरे को लगा नहीं था। जो अपडेट है वो अपन को देखने को मिलेगा, पर इतना ज्यादा ही अच्छा अपडेट है जिन बंदों ने भी कॉन्कर का ट्राई किया भाई, अगले सीजन अपन का कॉन्कर होगा या नहीं होगा, या फिर किस तरीके से अपन खेले, क्या टैक्टिक्स फॉलो करें जिससे अपन का 3 से 4 दिन का जो कॉन्कर है काफी इसी तरीके से हो जाए। तो ये जो अपडेट है इसके लिए मैंने 3-4 गेम खेले, अच्छे से खेले, सब कुछ अच्छे से डिटेल में मैंने जाना और नए नए टेक्टिक्स निकाले या नए नए टिप्स एंड ट्रिक निकाला जिसे मैं यूज करके काफी अच्छा प्लस ले रहा हूं। अगर आप नए सीजन पे लगाओगे ये टेक्टिक्स और इस तरीके से खेलोगे तो आपका गारंटी के साथ कह रहा हूं 3 से 4 दिन के अंदर जो कॉन्करर है काफी ईजी हो जाएगा। उससे पहले चैनल पर जितने बंदे जरूर से चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। जो रिक्वायर है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, आधे से ज्यादा बंदे को ये नहीं पता कि अपन को जो रिक्वायर है वो कहाँ देखने को मिलेगा। तो जो रिक्वायर देखने को मिलेगा हर गेम में सिर्फ 2 ही जगह आपको देखने को मिलेगा, एक होगा प्रिजन के ऊपर साइड और जो दूसरा होगा वो होगा क्वारी के आगे साइड थोड़ा सा, ठीक है, वहां पे आपको जाना है। और कई बंदे सोच रहे होंगे भाई अपन रिक्वायर गिरा हुआ मिलेगा या फिर अपन को उसको उठाना होगा, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसा मैं करूंगा वैसे ही करना है। जो आपको इग्लू टाइप होते हैं जहाँ पे मैंने बताया क्वारी और प्रिजन साइड ऐसे कुछ बने रहेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, इनके पास से गाड़ी ले जानी है। ऐसे अगर आप लोग ले जाओगे तो जो रिक्वायर है वो ऑलरेडी आपके बैकपैक के अंदर आ जाएगा और को दिखा हुआ दिख जाएगा का जो रिक्वायर है वो आपके बैकपैक के अंदर आ चुका है। अब कई बंदे ऐसे कहेंगे कि भाई हम तो डाइक यहीं पे उतर के गन फाइट लेंगे या फिर गाड़ी लेके यहीं पे आएंगे और लूटेंगे, तो गाइस ऐसी गलती मत करना। सिर्फ 2 ही जगह रिक्वायर मिलता है और लोबी में 100 बंदे होते हैं जिसमें से इतने ज्यादा बंदे तो आसपास आएंगे जिसकी वजह से जो आपकी फाइट हो वो यहाँ पे हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको वहां से रिक्वायर उठाना है जैसे मैंने उठाया, गाड़ी पास से लगाया और रिक्वायर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बैकपैक के अंदर ले लिया। थोड़ी देर दूर रुकता हूँ, अच्छे से जो अपनी लूट है वो कंप्लीट करता हूँ, आसपास से जो बॉट आते हैं उनको मैं फिनिश करता हूँ, वहाँ के जो हालात हैं वो जानता हूँ कि आसपास कितने बंदे क्या फाइट चल रही है। उसके बाद आराम से जो गाड़ी लेके थोड़ी सी दूर रोकता हूँ जिससे बंदों को जो बगी का है वो यहाँ पे साउंड है, बंदों को मेरे को जो पोजीशन है उनको मेरी पोजीशन नहीं पता थी। थोड़े से मैं धीरे धीरे जा रहा था चुपचाप टिप्स एंड ट्रिक लगा के का कोई बंदा मेरे को यहाँ पे दिख जाए तो उसको मैं नॉक काफी इजी तरीके से कर दूँ। थोड़ी देर के अंदर बंदा तो नहीं दिखता पर जस्ट मेरे आगे साइड एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है जिसको यहाँ पे मैं देखने की ट्राई करने लगता हूँ। पहले तो नहीं दिखता पर तभी देखो जो बंदा है वो यहाँ पे हल्का सा मेरे को राइट में दिखता है जिसे मैं यहाँ पे अभी के लिए मारने की भी ट्राई करूंगा। लोग समझ ही गए होंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा था कि यहाँ पे फाइट लेना आपको काफी ज्यादा दिक्कत पड़ सकती है। जैसे अभी के लिए मैंने थोड़ा फाइट लेने का ट्राई किया और पीछे से बंदे आते हैं रिकॉर्ड लेने के लिए, रिकॉर्ड तो उन्हें मिल जाता है पर उस टीम को यहाँ पे हम काफी इजी फिनिश कर देते हैं। अभी जो सामने वाला बंदा होता है ये काफी ज्यादा चलाक होता है, ये यहाँ से निकल के चला जाता है आगे जहाँ से ये बंदा मेरे को M24 मारने लगता है, इसको मैं नॉक देने की ट्राई करने लगता हूँ पर ये बंदा यहाँ पे कवर में पहुंच जाता है। फिनिश करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये जो बंदा है वो मेरा किल चोरी कर ले, तभी ये जो बंदा पीछे से M24 मारता है मेरे को यहाँ पे नॉक देता है। थोड़ी देर यहाँ पे मैं रिवाइव तो हो जाता हूँ पर जो बंदा है वो यहाँ पे ओपन में पुश कर रहा था क्योंकि उसके पास भी ऑलरेडी रिकॉर्ड था, इस वजह से वो ओपन में पुश कर रहा था पूरा लेफ्ट से। थोड़ी देर बाद वो जो बंदा है वो यहाँ पे TPP देने लगता है, अब देखो उसे मैं किस तरीके से मारूंगा या फिर क्या मेरी टैक्टिक्स रहेगी उसे मारने की। देखो थोड़ा सा डैमेज दिया, टीममेट को पीछे रखता हूँ का भाई मेरे को ATS दिए, अगर वो बंदा मेरे को मारेगा जब तक मैं यहाँ पे ग्रेनेड करने लगता हूँ। अब जो बंदा होता है वो यहाँ पे राइट वाले पे के पीछे और उसके रिच के पीछे जा चुका था जिससे मैं अपने टीममेट से कॉल आउट देता हूँ, भाई फटाफट आ जा क्योंकि मैं अकेले पुश नहीं कर सकता क्योंकि पास जो मेरे पास वेस्ट है वो अभी के लिए नहीं है, बंदा मेरे को काफ़ी इजी तरीके से जो नॉक है वो यहाँ पे कर सकता है। अब मेरे को इतना तो पता चल चुका था साउंड से का बंदा पेड़ के पीछे नहीं है, तो मैं पेड़ के पीछे जाता हूँ जंप करके उसको देखने की ट्राई करता हूँ, तभी मेरे को हल्का सा बंदा दिखता भी है अभी के लिए। मैं तो यहाँ पे नॉक होता हूँ पर टीममेट मेरे को काफ़ी अच्छा जो बैकअप है वो अभी के लिए यहाँ पे दे देता है। अब यहाँ पे फाइट लेने के लिए इसलिए इग्नोर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कितनी ज़्यादा थर्ड पार्टी हो सकती है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे उस गाड़ी वाली टीम को निपटाया तो इस M24 वाली टीम को भी हमने निपटाया, तभी पीछे से एक बंदा मेरे को K98 का बॉडी शॉट देता है, अगर एक और वो बॉडी दे देता तो यहाँ पे जो मेरा रिकॉर्ड है वो अभी के लिए बर्बाद हो जाता। पर मैं उस बंदे को देखने की ट्राई करता हूँ, तभी बंदा हल्का सा दिखता है।
वो जो बंदा था वहां से काफी अच्छा खेल रहा था, या फिर काफी अच्छा जो स्नाइपर है वो यहाँ पे चला रहा था। अब यहाँ पे जो आपको दूसरी पावर देखने को मिल जाती है वो ये मिल जाती है, जिससे आप काफी ज्यादा जो तेज है वो यहाँ पे भाग सकते हो। थोड़ी देर आपको जो पावर है वो मिलेगी, जिससे आप 30 से 40 सेकंड तक काफी जल्दी भाग सकते हो। तभी जो बंदा है वो मेरे को ओपन में दिखता है, इसको मैं डैमेज देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं फ्लैंक कितना अच्छा मारता हूँ। सबसे पहले अपनी पावर ऑन करता हूँ, जिससे मैं ज्यादा तेज भाग सकता हूँ, और ये देखो कम से कम 30 से 40 सेकंड तक इतनी स्पीड से बंदा भागता है। अब मैं चुपचाप इधर आ जाता हूँ, तभी जो बंदा है वो भी इसी साइड आ जाता है, जिसका मेरे को साउंड आ चुका था। पर मैं अपने टीममेट को बुलाता हूँ कि भाई दोनों साथ में मारेंगे। एग्जैक्ट साउंड नहीं आता कि बंदा कहाँ पे, पर इतना पता था कि सामने वाले घर के अंदर है। टीममेट से कहता हूँ भाई सीधा पुश करते हैं, मैं राइट से जाता हूँ, तुम बाहर से रहना, पर घर के अंदर मत घुसना जब तक उसकी एग्जैक्ट पोजिशन हमें पता ना चले। बंदा भी भागने वाली पावर यूज़ कर रहा था, पर इस बंदे को अपन यहाँ पे काफ़ी इजी फिनिश कर देते हैं। अभी के लिए मेरे अच्छे खासे किल हो चुके थे, पर यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड था, तो मैं यहाँ पे जो फाइट का रिक्स है वो यहाँ पे ले सकता था। तो फटाफट यहाँ से जो गाड़ी होती है उसे उठाता हूँ, और यहाँ से सबसे पहले मैं मैप चेक करता हूँ कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे मेरे को बंदे देखने को मिलेंगे। जो दूसरा वाला इग्लू होता है वो जोन के बाहर हो चुका था, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम चांस है बंदे होने के। तो मैं ब्रिज पर चेक करता हूँ, जहाँ पे मेरे को कोई बंदा या फिर कोई भी टीम देखने को नहीं मिलती, वहाँ से मैं निकल के आता हूँ पुचिंग की। पहले मेरे को लगता है पुचिंग की में कोई बंदा नहीं, तभी देखो मेरे को एक आगे बग्गी जाती हुई दिखती है, और राइट से मेरे को साउंड भी आता है कि कोई बंदा यूएफओ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले एक टाइम पे लगा था कि मैं बच चुका हूँ, पर जो बगी वाला बंदा था उस पर थोड़ा सा मेरे को डाउट चल रहा था। क्यों चल रहा था वो आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए वो बगी वाला बंदा पुश करता है, मैं तो फिनिश हो जाता हूँ, पर थोड़ी देर बाद जो मेरा टीममेट है उसका एक बंदा नॉक करके दूसरे वाले बंदे से नॉक फिनिश हो जाता है। तो मेरा टीममेट कहता है भाई वहीं पर जंप करते हैं, उसको डाउट पे क्योंकि अभी के लिए जो जोन है वो भी वहीं पर। तो मैं अभी कहता हूँ चलो ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को अभी फाइट नहीं करना था जब तक मेरा टीममेट भी मेरे साथ नहीं आ जाए। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, अकेले पुश मत करो, सामने वाला कितना ही बंदा नूब हो या फिर कितना भी 1 HP हो उस पर ओवर कमेंट मत करो, आराम से खेलो चिल मोड करके। अब यहाँ पे देखो ये बंदा क्यों मेरे को हैकर लग रहा था वो आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, बंदा ओपन से आ रहा है, उसे मारने की ट्राई करने लगता हूँ, पर यहाँ पे जो फ्लैश वाली जो होती है शक्ति या फिर जो तेज़ भागने वाली वो यहाँ पे गलती से मेरे को एक्टिवेट हो जाती है। तभी देखो ये बंदा ऑल पे मेरे पता नहीं कहाँ पे है। ये जो बंदा ऑल पे बोलता है मेरे को थोड़ा सा लगता है अभी इस बंदे के पास ESP है या ना। तभी मेरा जो टीममेट है वो आ जाता है, तो मैं जो नॉकआउट वाला बंदा है उसको थोड़ा परेशान करने लगता हूँ कि वो अपना बंदा रिवाइव नहीं दे। जैसे ही टीममेट आता है तो हम फटाफट उसके ऊपर पुश करने लगते हैं। आपने देखा होगा मेरा और मेरे टीममेट का टीम वर्क कितना अच्छा काम किया। मैं बालकनी में जाता हूँ, वो सीढ़ियों पे रहता है, जैसे ही दूसरे वाले बंदे का मेरे ऊपर ध्यान जाता है पीछे जाके वो उस बंदे को काफी इजी फिनिश कर देता है। अभी के लिए रिकॉर्ड जा चुका था, थोड़े बहुत यहाँ पे अच्छे खासे जो किल हैं वो यहाँ पे हो चुके थे। कोई जो व्हीकल होती है वो यहाँ पे कवर में नहीं होती है, तो ये जो UFO होता है इसको मैं यहाँ पे कवर में लेके आ जाता हूँ, जोन में जाने का हमारे काम आएगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो अगला सर्कल है वो भी बनने लगता है, मैं होल्ड करने लगता हूँ तभी अगला सर्कल बन जाता है जो अपन के जोन से काफी ज्यादा दूर था। अब यहाँ पे गाइस मैंने सुबह से या फिर जब ये अपडेट आया तब से मैंने 4 गेम खेले, 4 गेम में मेरे को एक भी हैकर देखने को नहीं मिला। आपको इस सीजन हैकर बोले तो यही सीजन चल रहा है, आपको अपडेट के बाद हैकर देखने को मिल रहा है या नहीं देखने को मिल रहा है वो ही मेरे को जो से कमेंट करके बता देना। पर अभी के लिए अपन जोन में जाते हैं जहाँ पे बंदे काफी ज्यादा कम अलाइव रहते हैं, तो हम सोचते हैं ड्रॉप लूटने जाएं। पर ड्रॉप पे ये भाई साहब होते हैं जिसको मैं आधी HP करता हूँ, पर जो मेरा टीममेट होता है वो इस बंदे को काफ़ी इजी फिनिश कर देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे इस बंदे की पेटी से लूटता हूँ, थोड़ा बहुत सामान होता है वो यहाँ पे उठाता हूँ, फिर मैं छत के ऊपर चढ़ जाता हूँ कोई बंदा स्पॉट करने के लिए। तभी मैं ऐसी बग्गी का टायर फोड़ रहा होता हूँ स्प्रे देने के बाद, तभी यहाँ पे UFO से बंदे आते हैं। अभी
के एक बंदे को तो ग्रेनेड से मैं नॉक एंड फिनिश कर चुका था, दूसरे बंदे को भी यहाँ पे पुश करके काफी इजी फिनिश कर देता हूँ। अब जो यूएफओ के आगे जो विंडो लगी है, इस पे आप कितनी भी गोली चलाओ बंदे को डैमेज नहीं पड़ता है। तो ज़्यादा ट्राई करो यूएफओ को पीछे से मारना को ट्राई करो, जिससे गोली जो होती है वो बंदे पे यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। अगर ये गेम प्ले अच्छा लगा तो गाइस इसके लिए जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, गाइस दिल से बोल रहा हूँ जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब एक कमेंट मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। बाकी इस गेम में होता है 19 का प्लस। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।